यही है 0 पॉइंट। ये रहा जायंट ट्री। अब देखिए उनके लॉर्ड ऑफ द रिंग में बड़े बड़े जायंट, इसी प्रकार से बड़ा सा ट्री। तो हेलो गाइस, फिर से आपको वेलकम करता हूँ मेरे और एक नए ब्लॉग पे। मैं आ पहुँचा हूँ रोइंग और तेजू के बीच में। तो पहले भी मैंने यहाँ इंट्रो बनाया था, तो मैं आया हूँ और जा रहा हूँ मैं रोइंग ब्रदर के साथ, ब्रदर मुन्ना के साथ। उनके पास रिकॉर्डिंग है, सॉन्ग रिकॉर्डिंग करने जाऊँगा मैं। और लगे हाथ आपको मैं रोइंग और एक फेमस जगह के लेके जाऊँगा अगर समय मिला तो। तो बने रहे मेरे ब्लॉग पे, मज़ेदार मज़ेदार चीज़ों का वो दिखाऊँगा। लेट्स गो टू रोइंग, इन्जॉय। तो जैसे ही रोइंग पहुंचा हूं मैं, सबसे पहले कर लूँगा लंच और मैं आया हूं प्रेम होटल पे। तो यहां अच्छा आपको लंच डिनर यहां मिल जाता है, तो मैं यहां लंच करके ही जाऊंगा। तो मैं अंदर भी जाके अभी हम लंच के लिए, तो आ गया मेरा लंच, दाल मटन और आपका वो बॉक्सा नहीं बनाया ना फिर बॉक्सा। बक्सा नहीं है वो, नहीं बोला हम बोला मतलब वो नहीं होता है, क्या होता है ऊपर में डब्बा ढका। फ्यू इंचेस लेटर। तो ये रहा स्टूडियो जहाँ हम अभी रिकॉर्डिंग करने वाले हैं। तो ये छोटा सा स्टूडियो, हम वॉइस रिकॉर्डिंग करेंगे। हमें आपको काफ़ी फोटोस है ब्रदर के घर में, जो जहाँ जहाँ उसने जस्ट किया प्रोग्राम किया मिसमी आइडल लुक में। तो ये उसका डेस्कटॉप, और यहाँ मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग करने के बाद रिकॉर्डिंग को हम लोग नेपाल भेजेंगे और नेपाल में वो फाइनल शूट किया जाएगा। तो ये रहा स्टूडियो जहाँ रिकॉर्डिंग किया जाएगा अभी, इसका इंटीरियर प्लस ये आपका फिल्टर साउंड फिल्टर के लिए, और ये माइक, और नया नया ये खुला है, लाइट बहुत सुंदर से सजाया गया है, अच्छा एक वो है। रिकॉर्डिंग के लिए चला गया है हमारा सिंगर अंदर की ओर, और ये आप देख सकते हो यहाँ में एक कीबोर्ड, छोटा सा डेस्कटॉप, और हमारा जो साउंड इंजीनियर जो पहले मिसमी आइडल्स में भी जस्ट रह चुका है, तो उनका मेमोरीज फोटो लॉक्स यहाँ लगा के रखा है। और छोटा सा मिनी सा एक स्टूडियो है, और आपको भी कभी गाना वाना करना है, रिकॉर्डिंग करना है, तो रोइंग में है ये जिंगो बस ये बस्ती के अंदर में, तो आप आ सकते हो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और गाने के बाद
फोटो क्लिक किया जा रहा है ताकि मेमोरीज में रहे, यादें में, यादें के पन्नों में छपा जाए। तो हमारे साउंड इंजीनियर की तरफ से ये एक मुफ्त फ़ोटो आपको खींचा जाएगा जब आप यहाँ में रिकॉर्डिंग करेंगे। तो कोशिश कीजिएगा, अगर आपका भी कोई गाना है, रिकॉर्डिंग करना है, तो आइए रोइंग में और यहाँ में आपको अच्छा सा अच्छा साउंड सिस्टम के साथ आपको गाना रिकॉर्डिंग करने मिलेगा, और भी A1 साउंड सिस्टम के साथ। तो ज़रूर विजिट कीजिएगा रोइंग में। अगला बार मैं भी एक नया गाना लेके आऊँगा और यहाँ रिकॉर्ड करूँगा। ओके, तो मैं आ पहुँचा था जू में, रोइंग का जू। इसमें ऐसा लिखा है, वेलकम टू मिनी जू रोइंग, लेकिन ये एवरी ट्यूसडे को क्लोज होता है और आज ट्यूसडे है। मेरे लिए अनलकी दिन हो गया, मैं आया था लेकिन मुझे यहाँ एंटर करने का मौका नहीं मिला, लेकिन जू तक तो मैं पहुँचा हूँ। तो आशा करता हूँ अगला बार मैं जू का अंदर जाके आपको दिखाऊँगा। तो ये है जू का एरिया, यहाँ में हम लोग रिकॉर्डिंग हो चुका है, इसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। काफ़ी खूबसूरत जगह है, पहाड़ों से घेरा हुआ जगह, और काफ़ी मतलब आपको सुकून महसूस होगा यहाँ के। तो ज़रूर मैं आपको नेक्स्ट टाइम जरूर जू को दिखाऊंगा बहुत जल्दी। तो ये है रोइंग का जू, भालू, शेर, हाथी, सांप सब यहाँ मिलेगा। अच्छा, जैसे हम रोइंग से तेजू की ओर जा रहे थे तो यहाँ बीच में एक जीरो पॉइंट मिलता है, तो वहाँ मैं ठहर गया और मैं आपको दिखाऊँगा जीरो पॉइंट किस प्रकार से दिखता है और क्या है जीरो पॉइंट, रोइंग का जीरो पॉइंट। जब भी आप विजिट करते हो रास्ता के बीचों बीच से आपको क्रॉस करना है, ये छोटा सा पार्क है, इसे कहते हैं जीरो पॉइंट। ये देखिए छोटा सा, यहाँ में आप शाम को आके अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ आके आप यहाँ में समय बिता सकते हो। और यहाँ से मतलब आपको ये पाँच अली यहाँ मिलेगा, और इसे बीचों बीच ही है, एक छोटा सा पार्क है, सिर्फ थोड़ा जंगल हो गया, घास उग गया, ये तो काफ़ी खूबसूरत ये जगह है ये जीरो पॉइंट। ये देखिए छोटा सा स्टेज की तरह है, यहाँ में बैठने का ये आपको चेयर मिल जाएगा और यहाँ बैठ सकते हो, शाम का मज़ा उठा सकते हो यहाँ। तो यहाँ भी आप बैठ के आप कुछ कुछ आप पी सकते हो, देखिए आप, और इस प्रकार से है और लोग जा आना जा रहा करें। और यहाँ में आपको लगेगा आप टाइटैनिक के नाव पे आ गए हो, इसके नोक में इसे नाव की तरह। यही है जीरो पॉइंट रोइंग का, काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी क्रिएटिव है। तो जैसे ही मैं ये जो निकल रहा था तो इसे मुझे देखने मिला और मैंने वीडियो ले लिया, शूट कर लिया। तो चलते हैं तेजू की ओर। तो बैठने के लिए कोलकाता ऐसा तोड़ लेगा, तो ये खाने के लिए, बैठने के लिए, तो अभी हम निकल रहे हैं तेजू की ओर। तो रिकॉर्डिंग तो हुआ लेकिन हमारा जो जू दिखाने का आपको वादा किया था वो नहीं हो पाया। तो मुन्ना सर रिकॉर्डिंग कैसा रहा? बढ़िया, बहुत बढ़िया उनकी तरफ से, और नेक्स्ट टाइम और गाना है हम लोग लेके जाएंगे। तो तेजू और रोइंग के बीचों बीच उन्होंने लिया है मॉन्स्टर पावर ड्रिंक, और ये है एक है लेयर्स और एक भी लेयर्स, एक झालर लेयर्स और एक नमकीन लेयर्स। तो ये है आज का उनका छोटा सा ब्लॉग। तो मैं यही रखता हूँ आज के ब्लॉग को, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में बहुत जल्द नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। वाह, मैं गया यार।